रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में शामिल होने आए प्रतिभागियों का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें खिलाड़ियों के द्वारा बताया जा रहा था कि उन्हें भोजन नहीं मिल पाया, रात में भूखे सोना पड़ रहा है। उस मामले को लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि खुद वह जिस क्षेत्र से आते हैं वहां की टीमें प्रतियोगिता में शामिल होने आई हैं और विजय भी हुई है, जिनसे मिलने वह स्वयं पहुंचे थे और कई खिलाड़ियों का जन्मदिन भी मनाया है। उनसे किसी भी प्रकार की इस तरह की शिकायत नहीं की गई है। जो खबरें चलाई जा रही हैं वह निराधार हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें छात्रों के द्वारा बताया जा रहा था कि उन्हें सिर्फ बिस्किट खाकर रात गुजारनी पड़ी है। उक्त मामले का खंडन करते हुए अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने यह बात कही है। आइए सुनाते हैं अपर कलेक्टर ने प्रशासन के पक्ष में क्या कहा है। देखिए, नई गढ़ी में देवतालाब में माननीय स्पीकर महोदय की अध्यक्षता और निर्देशन में बहुत बड़ा राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही सफल आयोजन है ये। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में मैं खुद सम्मिलित हुआ था, बीच के कार्यक्रम में, आज समापन के कार्यक्रम में कलेक्टर साहब स्वयं थे, उसमें माननीय स्पीकर साहब थे। और आज ये जो वीडियो जिस दिन का, उस दिन मैं खुद नई गढ़ी गया था। मैं क्योंकि रहने वाला हरदा ज़िले का हूँ और नर्मदापुरम संभाग मेरा खुद का संभाग है, तो मेरी चार टीमें थी जो सेमीफाइनल तक पहुँची हैं। दो टीमें फाइनल खेली, दो टीमें फाइनल जीती भी हैं। तो वो जीतने वाली जो टीम्स हैं उन सारे लोगों से मिलने मैं खुद कल नई गढ़ी गया हुआ था और वहाँ इस तरह कोई शिकायत या इस तरह कोई बात नहीं आई थी। वहाँ का जो कार्यक्रम था वो पूरा हम लोगों ने संचालित किया। मैं ग्राउंड भी गया था, उसके बाद बच्चे जहाँ रुके हुए हैं वहाँ गया था और अलग से उन लोगों के साथ हम लोगों ने, मतलब जो हमारी टीम के टीम मेंबर थे, शहडोल की टीम के लोग थे, उनके साथ सबके साथ बैठ के अलग से बातचीत भी की थी, मोटिवेट किया था उनको। और कुछ उन लोगों के बच्चों के जन्मदिन थे तो वहाँ जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया था, जिसको मैंने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपडेट भी किया है। तो ये जो भी खबर है मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से, और ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की गलत और भ्रामक खबरों को जो है प्रचारित प्रसारित नहीं किया जाए। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।